दोस्तों IPL साल 2020 का सीजन अब फाइनली शुरू हो चुका है, जो कि 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच UAE के अंदर खेला जाएगा और सभी फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी फेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर को मैदान पर उतरता खेलता देखने के लिए। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, किस टीम को आप कर रहे हैं सपोर्ट। इसके अलावा दोस्तों सभी IPL टीमों की तरफ से और अगले IPL मैच के होने से पहले बहुत ही बढ़िया खबरें यहाँ निकल के आ रही है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिन भर की बड़ी बड़ी खबरों के बारे में। तो क्या है ये बड़ी खबरें, किन टीम को होने वाला है बहुत ही बड़ा फायदा, किन टीम को होने वाला है नुकसान, आज की वीडियो में मैं आपको A to Z इसी टॉपिक से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो हमेशा की तरह काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों IPL साल 2020 के सीजन के अंदर अब काफी कम समय बचा है, देखते देखते पूरा ही सीजन निकल गया, जहां पर दोस्तों लीग मैचेस अब सभी खत्म हो चुके हैं और आज से शुरू हो जाएंगे प्लेऑफ्स के मैचेस। और दोस्तों काफी सारी अपडेट्स और काफी सारी न्यूज दिन भर में बाहर निकल के आती है। आज भी दिन भर में काफी सारी अपडेट्स और काफी सारी न्यूज बाहर निकल के आई है। आज की वीडियो में मैं आपको दिन भर की टॉप खबरें और टॉप न्यूज बताने वाला हूँ। दोस्तों पहली न्यूज बाहर निकल के आती है प्लेऑफ के मैचेस को लेकर। दोस्तों यहां आज का पहला मुकाबला होने वाला है क्वालिफायर 1, जो कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में है। शाम 7:30 बजे दुबई के मैदान से आपको लाइव देखने को मिलेगा ये एक्शन। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला है, जो भी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में जाएगी और हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा, जो कि दोस्तों कल होगा यहां पर एलिमिनेटर और उसके विनर से फिर भिड़ेगी जो हारने वाली टीम होगी क्वालिफायर 1 की। तो आप नीचे जल्दी से कमेंट करके बताएं आज प्लेऑफ के पहले प्लेऑफ के अंदर कौन सी टीम जीतने वाली है, मुंबई या फिर दिल्ली। दूसरी न्यूज निकल के आती है IPL 2021 को लेकर। दोस्तों IPL साल 2020 का सीजन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और काफी फैंस का ये सवाल है कि क्या मेगा ऑक्शन होगा या मिनी ऑक्शन होगा IPL 2021 के लिए, साथ ही साथ कहां पर होगा IPL 2021। इसके ऊपर सौरभ गांगुली ने दोस्तों ऑफिशियल अपडेट दी है, उन्होंने बताया है कि मेगा ऑक्शन होगा या मिनी ऑक्शन ये इस साल के IPL जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही यहां पर ऑफिशियल किया जाएगा। और IPL 2021 कहां पर होगा इसकी अपडेट देते हुए उन्होंने बताया है कि इंडिया उनके पास पहला ही ऑप्शन है, इंडिया के अंदर ही होने वाला है साल 2021 का IPL, बट अगर चीजें सही नहीं रहती है और कोई गड़बड़ होती है तो दुबई बैकअप के तौर पर रहने वाला है। तीसरी न्यूज निकल के आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से। दोस्तों KKR की मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, उन्होंने बताया है IPL 2020 काफी सारी मेमोरीज बना के गया है, हर और जीत तो चलती ही रहती है बट यहाँ टीम के अंदर कुछ पॉजिटिव भी चीजें हुई है। कप्तान एयन मॉर्गन के साथ टीम यहाँ पर काफी अच्छी और पॉजिटिव नजर आ रही है और लास्ट के कुछ मैचों के अंदर टीम का कॉम्बिनेशन भी बन गया है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि साल 2021 का जो IPL है वो भी काफी नजदीक है, तो टीम को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या KKR IPL 2021 के लिए है तैयार। दोस्तों चौथी न्यूज निकल के आती है न्यूजीलैंड के इंजरी क्लाउड को लेकर। दोस्तों अब IPL खत्म होगा और इंटरनेशनल क्रिकेट एक बार फिर से शुरू होने वाला है ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के अंदर, बट यहां जब न्यूजीलैंड की सीरीज होगी तो उसके अंदर 6 प्लेयर मिस करने वाले हैं, एक साथ 6 प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं। इन 6 प्लेयर के नाम है टिम साउथी, नील वैगनर, मैट हेनरी, एजाज पटेल, कॉलिन डी ग्रैंडम और हेनरी निकोलस। दोस्तों काफी मुश्किल समय से गुजर रही है न्यूजीलैंड की टीम, एक साथ 6 यहां पर काफी मुश्किल टाइम है न्यूजीलैंड के लिए। पांचवी न्यूज निकल के आती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से। दोस्तों चेन्नई का इस साल सीजन काफी बुरा रहा, जहां IPL के इतिहास में पहली बार वो प्लेऑफ्स के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट यहां पर CEO ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और यहां पर अगले साल बने रहेंगे ओपनर के तौर पर चेन्नई के साथ। साथ ही साथ यहां पर दोस्तों अगले साल काफी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, जहां पर दोस्तों एक नई टीम सेट होगी, साथ ही साथ सुरेश रैना भी कमबैक करने वाले हैं। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स साल 2021 का IPL टाइटल जीत पाएगा या प्लेऑफ में भी क्वालिफाई कर पाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी दिन भर की टॉप न्यूज़, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।